बाल मॉन्क मिंग, हमें बताया गया है कि आप शाओलिन मंदिर से खास संदेश लेकर आए हैं। आप बेफिक्र होकर अपने मन की बात बोलिए। शाओलिन मंदिर की महानता ये है कि उसने चाइना के सबसे शूरवीर सेना नायकों को शिक्षा दी है। शाओलिन की महानता अटल थी, लेकिन जब सरदार काइफू ने हमला किया आया था जिस दिन चाइना के 5 सर्वश्रेष्ठ सेना नायक शाओलिन में अपने गुरु से आशीर्वाद लेने के लिए आए थे। काइफू के पास 108 सिपाहियों वाली पलटन थी और वो सिर्फ 5 सेना नायक थे, लेकिन काइफू ने 5 वीरों से एक साथ लड़ने की चुनौती दी। लेकिन वो 5 वीर काइफू के सामने कुछ भी नहीं थे। उसने शाओलिन को एक चुनौती दी। हर साल न्यू ईयर्स के दिन शाओलिन और काइफू के दल एक प्रतियोगिता लड़ेंगे। अगर 10 साल में एक बार भी शाओलिन का दल जीत गया तो काइफू वापस चला जाएगा, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो हमेशा के लिए शाओलिन को काइफू के हुक्म का गुलाम बनकर रहना होगा। प्रतियोगिता पिछले 9 सालों से चल रही है और शाओलिन हर बार हार चुका है। चाइना के चारों ओर के योद्धाओं को शिक्षा दी गई है, लेकिन काइफू के मुकाबले में सभी नाकामयाब रहे हैं। इस साल हमारा आखिरी मौका है। बहुत विकट स्थिति है, हम क्या मदद कर सकते हैं? हमारे बड़े गुरु की भविष्यवाणी के अनुसार शाओलिन का रक्षक भारत में मिलेगा। भीम ही हमारा रक्षक है। भीम को शाओलिन ले जाने के लिए मुझे आपकी इजाजत की जरूरत है। हम भी मदद करेंगे। मुझे बच्चों में ऐसा साहस देखकर बहुत खुशी हुई। मेरी इजाजत है। मेरे पास सिर्फ 6 महीने हैं कुंफू सीख के काइफू जैसे महान योद्धा को हराने के लिए, तो हम बिल्कुल समय बर्बाद नहीं करेंगे और अभ्यास इसी वक्त शुरू करेंगे। अब सब ध्यान से सुनो। कुंफू को प्रेरणा प्रकृति से मिलती है। 16 तरह की प्राथमिक चालें हैं जो जीव जंतु पक्षी प्राणी से प्रेरित होकर बनाई गई हैं। अब ध्यान से देखना। सबसे पहले इस तरह खड़े होते हैं। तो चलो सब लोग मेरी तरह खड़े हो जाओ। अब चलो, पहली चाल आ गई। इसी तरह से 2 घंटे तक खड़े रहो। 2 घंटे? मेरी टांगे तो अभी से हिलने लगी है। लड़कियां तो बेहोश हो जाएंगी। आसानी से करेंगे। अब प्राथमिक चाल। पहले योद्धा बनने के लिए सबसे अहम है। मिंग, तुम एक बहुत ही अच्छे शिक्षक हो।
तुमसे सीखकर बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद। बकबक बंद नहीं की तो तुम्हारा सिर पराठे से भी चपटा बना दूंगा। बच्चों, तुम सबको खाना पसंद आया? बहुत पसंद आया। खाना तो बहुत ही बढ़िया है, शुक्रिया चाचा। खाओ खाओ बच्चों, खाओ खाओ और खाओ। बच्चों को खाते पीते देखना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तुम बच्चे कहाँ के हो? यहाँ के तो नहीं लगते हैं? हम ढोलकपुर के निवासी हैं चाचा। ओह, तब इतनी दूर। हम अपने दोस्त से मिलने आए थे। कहाँ रहता है ये दोस्त? द्वारका में, उसका नाम है कान्हा। अच्छा अच्छा, ठीक है। ठंडी बादाम लस्सी पीने से भरे हुए पेट को राहत मिलती है, ले आऊं? बादाम लस्सी? ले आइए। खाने के बाद हमें रात को ठहरने की जगह। क्या हुआ? ये लॉकेट ऐसे चमक क्यों रहा है? ये तो काना है। ऐसा लग रहा है उसे कहीं गहरी चोट लगी है। मुझे मदद। काना, तुम्हें क्या हुआ? कहाँ हो तुम? माया नगरी की, माया नगरी। जल्दी, बहुत कम। काना, किसी न किसी तरह हम तुम्हें जरूर बचाएंगे। काना, पर सावधान। किसे सावधान रहने को कह रहा था काना? कुछ तो किरमा या फिरमा बोल रहा था। भीम, कहीं काना किरमाड़ा की बात तो नहीं कर रहा? ऐसा कैसे हो सकता है चुटकी? हाँ, किरमाड़ा का तो पाटलिपुत्र में कृष्ण और भीम ने मिलकर खत्म कर दिया था ना? मगर राजू, जग्गू, शायद चुटकी की बात सही है। भीम, तो तुम्हारा मतलब है कि किरमाड़ा फिर से वापस आ गया? हाँ। किरमाड़ा वापस आ गया? हाँ, और ये भी कहा था कि वो किसी माया नगरी में है। हाँ, और अगर उस नगर को जल्द ढूंढ निकालना है तो कान्हा। माया नगरी यानी जादू की नगरी, जिसका पता हम किसी जादूगर से नहीं पूछ सकते। अरे वाह ढोलू, ये तो बहुत बढ़िया बात कही। मगर ऐसा जादूगर इस अनजान शहर में हम ढूंढेंगे कहाँ? जादूगर? हाँ चाचा, मगर छोटा मोटा खेल दिखाने वाला नहीं, असली जादूगर। बच्चों, वैसा तो एक ही है या फिर हुआ करता था, तंत्र का। जहाँ तक मैंने सुना है वो पाटलिपुत्र की सीमा पर रहता है, जो कुछ ही घंटों की दूरी पर है। तो फिर चलो दोस्तों, हमें वक्त जाया नहीं करना चाहिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया चाचा। सही रास्ते जा रहे हैं ना? हाँ, सही जा रहे हैं। मगर भीम, इतना पता नहीं कि तंत्रकार को ढूंढने के लिए और कितना चलना पड़ेगा। हम तो थक चुके। हम तब तक आराम नहीं कर सकते जब तक हम माया नगरी का पता ना ढूंढ लें। हाँ,
अगर इस जंगल में वो भी इस वक्त, तंत्रकार हमें कैसे मिलेगा?